कबड्डी 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 कबड्डी। ये कहानी है एक अनोखे गांव की। इसका नाम पहले नारक हुआ करता था। राधे राधे अम्मा। अरे राधा रानी, हमें भी पिला दो इशक का पानी। फिर ना जाने कब आ का डंडा मिट गया और किसी ने परवाह भी ना की। तेजाब का पानी। संदेश सुनूंगी जैसे तेजाब ना है, टॉयलेट का ही पानी है सिर्फ। अरे यही कर सके हम, ना कर सके कुछ क्या? आवरी देखो रे, कोई नजर तो उतारो रे, खुशियों की झोली में काला टीका। हर कहानी में एक रावण होता है। अब तुम सब मेरे हो। जी जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कब तक अपने मर्दों की गलतियां छुपाती रहोगी? कभी तो कोई कदम उठाना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा औरत? क्या बकवास कर रही है तू? जीवन में बहुत कम मौके मिलते हैं भगवान बनने के। भगवान भी सबको एक मौका देता है कि अगर हम भैरव सिंह के आदमियों से कबड्डी के खेल में हार जाते हैं, इस गांव को खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। दीदी, अब आप ही बताएं, हम क्या करें? तुम कुछ औरतें मिलकर जो कर रही हो, ये समाज तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तुम मान हो हर औरत का। तुम जीतो या हारो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कहानियां बड़े फख्र के साथ सुनाएंगे कि कैसे उनकी माओ ने मिलके इतिहास के सामने ऐसी मिसाल पैदा की जिसका कोई तोड़ नहीं है। तो बोलो, लड़ोगी? तुम लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि औरतों को हमेशा झुक कर रहना चाहिए? तभी तो उन्हें पर्दे में रखा गया है सदियों से। तुझे उन औरतों की हिम्मत हर हालत में तोड़नी पड़ेगी। ये कोई खेल नहीं है लड़की, ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। मेरी भी लड़ाई सम्मान की है दीदी। इस बार कुछ ऐसा करो कि वो लोग शर्म से ही बढ़ जाएं।